बोलने से पहले 100 बार सोचो, कहीं मेरी वाणी से किसी के हृदय को चोट तो नहीं लग रही, मेरे शब्द किसी के घाव भरने में, जो मन के घाव हैं उस घाव को भरने में दवाई का काम कर रहे हैं, या मेरे शब्द घाव पर किसी के नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये सोचो, 100 बार सोचो कुछ बोलने से पहले। इसलिए वाणी का विशेष महत्व बताया, संतुलित वाणी होनी चाहिए, सत्य के साथ शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, मीठा मधुर बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए, सार्थक बोलना चाहिए, निरर्थक नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस वाणी की साधना होती। आप कहते हो ना कई बार कि वो इतने सिद्ध व्यक्ति हैं कि वो जो मुंह से बोलते हैं सही हो जाता है। दिखने में कोई व्यक्ति सहज सा लगेगा, यूं ही कोई गांव का साधारण सा व्यक्ति, लेकिन कई बार कुछ बोल दे तो वो हो जाता है। क्यों? उसने कोई बहुत बड़ी बड़ी साधना नहीं की, लेकिन झूठ नहीं बोला, वाणी का सदुपयोग किया, वाणी की साधना की। जो वाणी की साधना करेगा, फिर वाणी से आप जो बोल देंगे वो सत्य होगा, क्योंकि वाणी को साध लोगे, सिद्ध कर लोगे। वैसे ही मन को साध लेना, वाणी को साध लेना, अपने कानों को साध लेना, इन कानों से अच्छा ही सुनना। हम तो अपनी इन चीजों को नहीं साध पाते, रात दिन चुगली करने में लगे, क्या बोल रहे हैं सोचो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, हमारे किसी कार्य से, हमारे किसी शब्द से कहीं किसी को चोट तो नहीं लग रही है, ऐसा सोचो पहले। और ये भी ध्यान रखो, धर्म क्या है। धर्म की बहुत सी व्याख्याएं बताई और उनके बाद सहज में एक लाइन हमको दे दी कि जो कार्य आपको अपने साथ अच्छा नहीं लगता, जो व्यवहार आपको अपने साथ अच्छा नहीं लगता, वो दूसरे के साथ कदापि न करे। यही धर्म है। कोई आपका अपमान करे या आपको अच्छा लगेगा तो आप दूसरों का अपमान क्यों करते हो? कोई आपसे कठोर बोले या आपको अच्छा लगेगा तो आप दूसरे से कटु क्यों बोलते हो? कोई अपशब्द बोले, ऊंची आवाज में बात करे, गाली देकर बात करे, ये आपको अच्छा लगेगा तो दूसरे को क्यों ऐसा बोलते हो? जो व्यवहार तुम अपने साथ सहन नहीं कर सकते, जो अपने साथ नहीं चाहते, वो दूसरों के साथ क्यों करते हो? अगर करते हो तो यह धर्म है, और यदि जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ भी नहीं करते। तुम्हें पता है कि मैं किसी का सम्मान करूंगा तो मुझे भी सम्मान ही मिलेगा, जो दोगे वही मिलता है। यहाँ प्रकृति का नियम है कि गेहूं का दाना भी धरती में डाला है तो गेहूं ही उगेंगे, मिर्ची डालोगे तो मिर्ची उगेगी, जो बीज डालोगे वही धरती आपको वापस दे देगी। तो प्रकृति हमें वो देती है जो हम प्रकृति को दे रहे हैं, जो हम बाहर दे रहे हैं वही हमें बाद में मिलने वाला है, ये बात स्पष्ट रखना। तो क्या पाना चाहते हो पहले आप समझ लो, वही दूसरों को देना शुरू कर दो। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, मीठी वाणी से बोलोगे तो लोग भी मीठा मीठा बोलेंगे, आप जो दोगे वो आपको अपने आप वापस मिलना ही है। दान कहीं करोगे तो वो रिटर्न में आना ही आना है, किसी न किसी रूप में आना है। किसी की मदद करोगे, किसी का सहयोग करोगे तो न जाने किस रूप में वो आपके कब काम आ जाए और कब सहयोग कर दे। इसलिए किया हुआ कर्म निष्फल नहीं जाता, तो अच्छा किया जाए। जब कर्म हमारे हाथ में है, कर्म कभी निष्फल जाता नहीं है, तो अपने हाथ से सदकर्म ही किया जाए, फिर बुरा क्यों किया जाए? अच्छा ही करना, अच्छा ही चिंतन रखना, क्योंकि बुरे का परिणाम बुरा ही निकलता है। आज भगवान कर्ण को समझा रहे हैं, कर्ण आई तो तुझे याद धर्म की, अंत समय पर आई, अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। ये युद्ध नहीं होता यदि ये याद धर्म की तुम्हें पहले आ जाती। समय रहते रहते समझो, सीखो,
कम से कम आंख बंद करके तो जीवन मत जियो, आंखें खोल कर जियो। एक एक कदम का हिसाब होगा, कितने कदम चले हो इस पर ध्यान दो। इसलिए कहते हैं कि मन से भी कुछ बुरा मत सोचो। बाहर करने की तो बहुत दूर की बात है, मन से भी बुरा मत सोचो। मन से भी बुरा सोचने के लिए पहले आपको बुरा बनना पड़ता है, और बुरा बनकर आप सुखी नहीं रह सकते। किसी से क्रोध करने के लिए पहले क्रोध का वातावरण भीतर बनाना पड़ता है, और भीतर जब आपने क्रोध से भर लिया अपने हृदय को, तो आपको शांति होगी क्या? बोलो, कभी आप इसको परीक्षण करके देखना। आपने बड़े बड़े परीक्षण किए होंगे, कभी आप परीक्षण करके देखना कि आप अच्छा सोचना, अच्छा चिंतन करना, आप देखेंगे कि आप जब चिंतन दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो उससे पहले आपका मन अच्छाई से भर जाता है, और आपको चैन की नींद आएगी, शांति से सोओगे, अच्छे से खाओगे। और कभी आप किसी के बारे में बुरा सोच कर देखना, क्रोधित होकर देखना, मन से ही क्रोध करके देखना, आप देखेंगे रात की नींद उड़ जाएगी आपकी। अपने ऊपर ही अपने आप को कसौटी पे कस के देखा कर, तो ऐसा काम ही क्यों करना जो हमें नुकसान दे। वो करते जाइए जिससे हम संतुष्ट होकर जीवन में कुछ अच्छा कर सके। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। बल दुर्योधन में कम नहीं था, लेकिन उसने बल गलत जगह लगाया, विनाश में लगाया, लड़ने में लगा दी अपनी सारी ऊर्जा। नहीं तो उसी गुरुकुल से, उन्हीं गुरु से अर्जुन भी पढ़े हैं, और दुर्योधन उन्हीं गुरु के तो शिष्य हैं, वहीं से तो शिक्षा मिली है। लेकिन एक ने क्या सीख लिया, दूसरे ने क्या सीख लिया। इसी कथा को हजारों लाखों लोग सुनते हैं, पर इसी कथा से कुछ क्या लेता है, कोई क्या लेता है। अपनी अपनी मर्जी से सब बटोर लेते हैं, अपनी अपनी मर्जी से सब ले लेते हैं, अपनी अपनी मर्जी से सब सीख लेते हैं।